नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीबी न्यूज। भारत में कोरोना वायरस कहर मचा रहा है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब जो सरकारी कचेरियां हैं वह भी इसकी चपेट में आती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि श्रम मंत्रालय दिल्ली में जो मौजूद है वहाँ पर 24 जितने कर्मचारी कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। भारत में कोरोना वायरस काफी भयावह रूप लेता जा रहा है। मंत्रालय और सरकारी विभाग के कर्मचारी भी कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय में एक और ऊर्जा मंत्रालय में भी एक कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि इन मामलों के मिलने के बाद श्रम शक्ति भवन के 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। पूरी बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। कोविड-19 का प्रसार पूरे भारत में तेजी से हो रहा है। अब इसकी चपेट में मंत्रालय और सरकारी विभाग भी आ रहे हैं। जानकारी मिली है कि श्रम मंत्रालय के 24 अधिकारी और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय में एक और ऊर्जा मंत्रालय में भी एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। इन मामलों के मिलने के बाद श्रम शक्ति भवन के 2 दिनों के लिए बंद किया गया है। पूरी बिल्डिंग का सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन पॉजिटिव के संपर्क में आए सभी कर्मचारियों पर कोविड-19 का हाई रिस्क माना जा रहा है। ऐसे में इन सभी को अगले 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन के निर्देश भी दिए गए हैं।